मेरी ओर से और ना ही मेरे साथी कार्यगण की ओर से, जैसा कि मेरी आप लोगों के साथ जो सभाएं हुई है उसमें मुझे पता लगा और जो बातचीत हुई उसको मुझे ऐसा आश्वासन भी मिला है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये कई बार होता है कि कुछ विवाद की स्थिति बन जाती है, उस विवाद की स्थिति के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, हर समय अवेलेबल हूँ। और आप मुझे बताइए, बजाय उस अधिकारी को कुछ कहने के सबसे पहले मुझे बताइए, और अगर समस्या का समाधान ना निकले तो फिर आप आगे के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो समस्या मेरे स्तर पर हम और आप बैठकर दोनों उसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई भी समस्या कैसी भी हो। मैं यहाँ पर भारत के जो कुछ वरिष्ठ अधिवक्तागण के बारे में मुझे पता लगा, यहाँ पर ऐसे विद्वान अधिवक्तागण भी है जिनकी प्रैक्टिस की आयु मेरी वास्तविक आयु से बहुत अधिक है। यहाँ तक कि बाबू भावी सिंह त्यागी जी 1975 से प्रैक्टिस कर रहे हैं जब मैं केवल 7 साल का था। तो आप सोचिए कितनी रिच बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मैं सीखने का प्रयास करूंगा, जो भी यहाँ से ग्रहण कर सकता हूँ उसे निश्चित रूप से मैं सीखूंगा। एक चीज जो हमारे गुरु कहते थे, मेरे फादर भी एडवोकेट थे, दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया और 1962 से वो प्रैक्टिस करते थे, 2011 में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उन्होंने जब जूनियर शिप में भेजा तो अपने मित्र क्या भेजा था, और जो उनके मित्र हैं वो एक चीज कहते थे हमेशा, वो ये कहते थे कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो खड़े होकर पढ़ाता है और जो विद्यार्थी है वो बैठ के उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि तो ग्रहण करने वाले का स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है कि वो स्थिर रहे अपने स्थान पर, अगर वो विचलित रहेगा तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वस्तुतः न्यायाधीशों के लिए ये पद्धति इसलिए हमको एक जगह बैठा दिया गया है कि आप बैठ के सुनो क्या कहा जा रहा है। आप उसे ग्रहण करो, ये आपके शिक्षक है जो आपको बता रहे हैं, और बात इसमें कुछ बोला ही नहीं। आप लोग जो फैक्ट्स रखते हैं, जो फेस को देते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे ऑर्डर और जजमेंट डिपेंड करते हैं। तो बहुत रिच बार है, समय का अभाव है, अधिकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय द्वारा VC है, इसमें कई अधिकारी हमारे सम्मिलित होने हैं, और मैं क्षमा चाहूंगा कि ये मीटिंग की जो सूचना है VC की उस समय प्राप्त हुई जब मैं कंसेंट आज के लिए दे चुका था। मुझे ये अगर पता होता कि समय अभाव हो जाएगा तो शायद किसी और दिन इसको रख लेते, और मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होता। इस अवसर से मैं आज वंचित रह रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि फिर कभी समय समय पर आप लोगों को मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हो। और मैं आज के स्वागत को तभी सार्थक मानूंगा कि जब मैं आपसे जाऊं तो उसी भावना के साथ आप मेरी विदाई करें।